कि लंका जो है उसमें आग लगा दिया गया है और वानर सेना के प्रवेश करने के बाद धू धू कर अब सब कुछ जलने लगा है। इसके बाद जो महाज्ञानी रावण, जिसे घमंड था, अभिमान था, शक्ति का, ज्ञान का, उस रावण का भी अंत होगा। धू धू कर देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है और तेज ध्वनि के साथ जो आवाज पटाखे की हो रही है उसे भी आप सुन सकते हैं, कैसे 80 फीट का रावण, 70 फीट का कुंभकर्ण और 70 फीट के मेघनाथ के पुतला का भी अब दहन किया जाएगा। पहले सोने की लंका जो है उसमें आग लगा दी गई है, उसके बाद अब रावण का भी दहन किया जाएगा, उसके बाद मेघनाथ का भी दहन किया जाएगा और सभी लोग साक्षी बनेंगे। हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था मेघनाद के द्वारा, कहा जाता है। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, ये भी कहा जाता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया था कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ने मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए और वृक्ष पर अपना सर रख दिया था, वृक्ष पर वो गिर पड़े थे पेड़ पर। फिर मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध कर रावण की सभा में ले गया और उसके बाद कहा जाता है कि हनुमान ने उस वक्त चालाकी से काम लिया और हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को पहले समझाने का काम करते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में तुम आ जाओ। और इसके बाद भी रावण नहीं मानता है, रावण को घमंड था शक्ति का, ज्ञान का, और रावण ने नहीं माना। हनुमान ने शिक्षा देने की लगभग कोशिश की, लेकिन रावण जब नहीं मानता है तो उसके बाद हनुमान साफ कहते हैं, क्या कहेंगे, जय सियाराम, जय श्री राम। तो ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जब रावण नहीं मानता है उसके बाद हनुमान ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है, वही मृत्यु जो है अब निकट आ गई है। और देखिए, अब रावण ने कहा था कि मुझे शिक्षा देने चला है मूर्ख, हनुमान ने कहा इससे उल्टा ही होगा। और उसी वक्त हनुमान को ये विश्वास था कि रावण का अंत होगा और रावण जो है वहां से फिर ये तैयार था कि अब रावण का भी अंत होगा। रावण को यह एहसास नहीं था कि जिसे वो दुख सा बानर समझता है वो उसके लिए एक तरह से कब्र खोद रहा है। और उसके बाद बंदर समझकर जो है रावण ने उसके पूंछ में आग लगवाने की योजना बनाई, लेकिन इतने तेल और इतने कपड़े नहीं थे कि हनुमान के पूंछ जो है उसकी लंबाई में वो लपेट सके। और लंका में जब हनुमान प्रवेश करते थे उसके बाद रावण ने समझाने का प्रयास किया। और देखिए, अब सीएम जो है अब तीर धनुष चलाकर जो है एक तरह से अब विजयोत्सव, विजयादशमी का जो है मनाते हुए संदेश देते हुए इसके बाद रावण के पुतला का दहन किया जाएगा, मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतला में आग लगाए जाएंगे। और सीएम नीतीश कुमार देखिए अभी तीर धनुष चलाकर, डिप्टी सीएम है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर है, तीनों के हाथ में तीर है, धनुष है, जो भगवान श्री राम का एक हथियार था। और विजयोत्सव जो है हम कैसे मनाते हैं, संक्षिप्त रामायण का पूरा वर्णन लगातार किया जा रहा है और ये दृश्य जो है ये गवाही दे रही है कि कैसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जो है संदेश ले रहे हैं। दर्शक जो है जो ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, भी लग रहे हैं। गांधी मैदान फिर से एक बार 12 अक्टूबर 2024 को गवाह बना है इस रावण दहन का, इस लंका दहन का। और ये आप देख सकते हैं साफ तौर से कि कैसे हनुमान जी ने पहले जो वानर की जो सेना है उसने पहले सोने की लंका में आग लगा दी अशोक, उसके बाद अब रावण और मेघनाथ के पुतले में आग लगाई जाएगी। यानी हनुमान जी को रावण ने कमजोर समझा था और रावण ने पहले पूंछ में आग लगवा दी और उसके बाद हनुमान ने ऐसा खेल किया कि पूंछ की लंबाई बढ़ती गई और जो नगरवासी थे कहा जाता है वो तमाशा देखते रह गए। और लगातार हनुमान है उछल उछल कर लगातार लंके में सोने की जो लंके थे उसमें घूम घूम कर आग लगाते रहे और धू धू कर लंका जलता रहा। आपने लंका को जलते हुए देखा, जो लंका रावण का साम्राज्य उसे हनुमान ने कैसे अंत किया। और देखिए अब यहाँ अब रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जो है कैसे धू धू कर जलेंगे, अट्टहास की आवाज सुनाई देगी। हनुमान जी अट्टहास कैसे करेंगे, कैसे गर्जेंगे और ये आकाश तक आतिशबाजी जो है उड़ेगी। और देखिए आग लगा दिया गया है, जोरदार आतिशबाजी की ध्वनि जो है आपको सुनाई देगी, धमाके की आवाज सुनाई, धू जो मेघनाद है उसे जलाया गया है
उसके बाद देख सकते हैं कुंभकर्ण और रावण को भी जलाया जाएगा धू धू कर। ये जल रहा है, इसके बाद अब देखेंगे कि अब रावण का भी अंत होगा और कैसे धू धू कर जलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य पर सत्य की जीत, तमाम जो बुराई है उसको हम कैसे त्याग दें, ये तमाम संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। वानर सेना लगातार घूम घूम कर पहले आग लगा रहे हैं, उसके बाद अट्टहास की सुनाई देती है आवाज और जोरदार तालियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। लोग लगातार गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, साक्षी बने हुए हैं, क्योंकि आज विजयादशमी का उत्सव है और इस उत्सव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, संदेश लेते हैं। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है, लंका दहन के पीछे भी एक कई और रोचक बातें जुड़ी हुई है, कई मकसद है, क्योंकि हनुमान जी जो है शिव के भी अवतार हैं और शिव से भी जुड़ा हुआ एक प्रसंग है कि माता पार्वती की इच्छा पर भी कहा जाता है कि शिव ने कुबेर से सोने की लंका जो है उसका निर्माण करा था, लेकिन रावण ने वरदान में सोने की लंका शिव से मांग ली थी दक्षिणा के तौर पर, और उसके बाद उस महल पर रावण का कब्जा था और उसके बाद उस सोने की लंका को हनुमान यानी बानर की सेना ने आग लगा दी। अब रावण का खुद अंत होगा और उसके बाद एक तरह से हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जो विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है, जो दसवा दिन है आज, एक तरफ महिषासुर का माँ दुर्गा जो है वध करती हैं, दूसरी तरफ जो अहंकारी रावण है, जो महाज्ञानी रावण है, जिसे घमंड था अपनी शक्ति का, अपने साम्राज्य का, अपने ज्ञान का, उस रावण का भगवान श्री राम जो है अंत करेंगे और इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर रोशनी की जीत का ये प्रतीक जो है माना जाता है, जिसे आज हम सभी आत्मसात करेंगे, संदेश लेंगे। क्योंकि हर बार हम दशहरा इसलिए ही मनाते हैं, रावण का तो अंत हो चुका था लेकिन रावण के विचार का अंत होना बहुत जरूरी। अगर इंसान रूपी रावण अगर कहीं किसी के दिल में बुराई है, कहीं अगर अज्ञानी अगर प्रकार की कुरीतियां हैं, तो वो आज से त्याग कर दें, इसलिए संदेश दिया जाता है। क्योंकि रावण का अंत इसलिए भी किया जाता है कि रावण के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, रावण के पास ना तो दौलत की कमी थी, ना साम्राज्य की कमी थी, ना शक्ति की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी, लेकिन रावण महा घमंडी था, रावण अहंकारी था, जिसको लेकर उसका अंत हुआ। और देख सकते हैं कि अब मेघनाद के पुतले को भी आग के हवाले कर दिया गया है और आतिशबाजी अब जोरदार और इसके साथ साथ जोरदार धमाके की आवाज, इको फ्रेंडली पटाखे जो हैं उसके जरिए आग लगाए गए हैं, क्योंकि प्रदूषण रहित जो पटाखे हैं वो छोड़ने की ही अनुमति मिली थी और दशहरा कमेटी ने ये पहल पिछले 3 साल से की है, जिसके बाद देख सकते हैं कि अब धू धू कर जो है तीनों पुतला अब जलेगा। 2 पुतला यानी मेघनाद और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो जल गया है, अब अहंकारी रावण का पुतला जो है वो भी अब जलाए जाएंगे और धू धू कर रावण भी जलेगा, यानी जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो हम संदेश लेंगे। इसके लिए भी कहा जाता है कि रावण को घमंड था कि वो विश्व विजेता बनेगा, वो विश्व विजेता बनना चाहता था और इसके लिए उसने भगवान ब्रह्म की तपस्या करके अमर रहने का वरदान मांगा था, ये भी कहा जाता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मृत्यु तय है। इस पर रावण ने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य वानर के सिवा किसी के हाथों ना हो। रावण को अहंकार ये था कि मेरी शक्ति से तो देवता भी डरते हैं, ऐसे में सामान्य मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन उसी वानर से ना उसी वानर के रावण का अंत होगा, ये रावण ने नहीं सोचा था। और यही कारण है कि भगवान विष्णु ने रावण को एक तरह से मारने के लिए सामान्य मनुष्य के रूप में एक तरह से अवतार लिया और सामान्य मानव के रूप में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब यह संदेश गया कि बुराई पर शक्तिशाली जो है कितना भी हो लोग, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन आप याद रखेंगे कि सामान्य मानव भी ऐसे दुराचारी, ऐसे घमंडी और ऐसे एक तरह से महामूर्ख को अंत कर सकता है। और यही कारण है कि आज देख सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत और लगातार आतिशबाजी हो रही है। रावण महाज्ञानी होते हुए भी कहा जाए तो महामूर्ख था, क्योंकि उसे घमंड था, उसे एक तरह से अहंकार था, उस अहंकार का अंत जो है आज हुआ। और देख सकते हैं कि पहले अभी मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को आग के हवाले किया गया है, इसके बाद अब रावण का पुतला है वो जलाया जाएगा। और कैसे इस युद्ध के बाद भगवान राम जो है अपनी पत्नी को रावण के चंगुल से
आते हैं, बचाते हैं और वानर सेना भगवान हनुमान और लक्ष्मण की सहायता करते हैं, उसे मार देते हैं, ये भी आपने देखा। और अभी धीरे धीरे वो दृश्य जो है वो भी आपको दिखाएगी, क्योंकि सीता हरण कर लिया गया था। सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम जो है हनुमान का इस्तेमाल किए थे और हनुमान ने श्री राम की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया था, जो आज आप संक्षिप्त रामायण की तस्वीर गांधी मैदान में देख रहे हैं, कैसे पाप पर धर्म जीत होती है। और इस धर्म की जीत का ये उत्सव विजयोत्सव जो है, जो विजयादशमी का उत्सव है, ये लगातार हम दिखा पा रहे हैं आपको, कैसे धू धू कर सभी पुतले जल गए, लंका दहन हो गया। अब रावण जो महाज्ञानी है, महाशक्तिशाली है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन रावण का भी अंत हो जाता है और फिर से रावण का अंत होते हुए आप गवाह बनेंगे, आप साक्षी बनेंगे। और आप देख सकते हैं कैसे गांधी मैदान में तमाम लोग इत्मीनान हैं कि रावण का कैसे अंत होगा, वो हम देखना चाहते हैं। और रावण का अंत अभी होगा, वो आप भी देखेंगे न्यूज 18 टेलीविजन स्क्रीन के जरिए। आप देख सकते हैं कैसे रावण का अंत होगा और तमाम मुख्य अतिथि हैं, आम से लेकर खास तक, वो भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि धर्म पर अधर्म की जीत होती है। धर्म पर अधर्म की जो एक तरह से, माफ कीजिएगा, धर्म अधर्म पर धर्म की जीत होगी और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, ये तमाम चीजों पर सबकी नज़र है। और विजयादशमी जो है उत्सव है, ये संदेश भी देता है कैसे हम बुराई का अंत करें, कैसे हम एक तरह से घमंड का अंत करें। ये तमाम चीज़ों के लिए आज गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अहंकार, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और वासना, इन सबों से सभी को दूर रहना चाहिए, ये भी हम संदेश लेंगे। हम आत्मसात करेंगे कि अगर हमारे अंदर इस प्रकार की कुरीति है, हमारे अंदर इस प्रकार की बुराई है, तो हमें आज ही त्याग देना चाहिए, कहा भी जाता है। और आप देखेंगे तो रामायण में भी लिखा हुआ है और तुलसीदास की ये पंक्ति है, सुंदरकांड में भी वर्णित है कि तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देखी शंभु चतुरानन, जय जय ध्वनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। यानी रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए, ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर सुनाई देने लगी, प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय होके ना। और ये चार तस्वीरें आपको पटना के गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, सबसे देखिए जिसमें रावण दहन जो है अब कर लिया गया है। और इन चार तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों में उत्साह था। सबसे पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं रावण का वो पुतला जिसमें आग लगाई गई, उसे दहन किया गया। और आपको बता दें कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आप देख भी रहे हैं। सबसे पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया गया और उसके बाद अब रावण दहन जो है वो किया गया है। बुराई के प्रतीक रावण का आज अंत किया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, ये रावण का पुतला जो सबसे बड़ा पुतला बनाया गया था पटना के गांधी मैदान में, उसमें अब आग लगाई गई है, रावण दहन कर लिया गया है। सबसे पहले जो वहां पर मौजूद नेता थे सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ, डिप्टी सीएम के साथ, बिहार के राज्यपाल ने तीर धनुष जो है वो संभाली और उसके बाद वो तीर धनुष उन्होंने छोड़ा और फिर जो भगवान राम के रूप में वहां पर मौजूद जो पूरी टोली थी उसकी तरफ से ये रावण दहन जो है वो किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान की, जहां रावण दहन किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो ये शोभा यात्रा थी भगवान श्री राम की, हनुमान की, सबसे पहले लंका को आग के हवाले किया गया और फिर कुंभकर्ण के साथ साथ मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया और फिर अब सबसे अंत में रावण का अंत कर दिया गया है। रावण के अंत के साथ ही ये संदेश सबके बीच में कि हमें रावण रूपी जो हमारे अंदर गलत विचार है उसका भी दहन किया जाए। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग पटना गांधी मैदान पहुंचे थे, जो तस्वीरों को उन्होंने देखा और हम आपको ये तस्वीर पूरी दिखा रहे हैं। चारों तरफ गांधी मैदान की ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर चारों तरफ आपको लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे और बीच में, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रावण दहन जो है वो कर लिया गया है। देश भर में दशहरा की धूम है और राजधानी पटना में जिस तरीके से गांधी मैदान में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रावण दहन कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें देखिए रावण का दहन जो है वो कर लिया गया है और कई सारे लोग
जो है इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तीन पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इसका दहन किया गया। सबसे पहले जो सोने की लंका वहां बनाई गई थी, सबसे पहले वानरों की टोली ने रावण की लंका जो है उसका दहन किया, उसमें आग लगाई गई और उसके बाद एक एक करके कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आग के हवाले किया गया और फिर रावण का दहन अंत में कर दिया गया। और इसी के साथ विजयादशमी की शुभकामनाएं हर किसी को दी जा रही हैं, क्योंकि विजयादशमी के मौके पर रावण रूपी जो पुतला है उसे दहन करके ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई के प्रतीक रावण का अंत ज़रूर होता है। और ऐसे में लोगों से भी ये सद्भावना की अपील की जाती है और लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे अंदर भी जो रावण रूपी विचार हैं, जो सोच है, उसका भी हमें दहन करना है। और ये तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि पहली तस्वीर रांची की है जहां कार्यक्रम अभी होना है रावण दहन का, और ये दूसरी तस्वीर आपको राजधानी पटना के गांधी मैदान की दिखा रहे हैं जहां रावण दहन कार्यक्रम समाप्त हो गया है, रावण का दहन कर दिया गया है। और यहां पर भी बड़ी तैयारी की गई थी। सबसे पहले अगर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं तो जो भगवान राम की सेना थी वो सबसे पहले पटना के गांधी मैदान पहुंचती है और उसके बाद सोने की लंका में पहले आग लगाई जाती है और उसके बाद फिर एक एक करके पुतला दहन किया जाता है। और अब आतिशबाजी जो है वो जमकर वहां पर होती थी। और इसके साथ ही आपको बता दें जो लोग इसके साक्षी बनने के लिए वहाँ पहुँचे थे उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे, क्योंकि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। और ये देखिए गांधी मैदान जो है खचाखच लोगों से भरा हुआ है और ये सभी लोग यहाँ रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए पहुँचे थे। ये तस्वीर जो है अपने आप में बताती है, दर्शाती है किस तरीके से जो लोग हैं इसके साक्षी बनने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे। और सबसे बेहद ही खूबसूरत तस्वीर विजयादशमी के मौके पर, और ये सभी लोग जो है उन्होंने रावण दहन का ये पूरा कार्यक्रम सामने से देखा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से जहाँ रावण दहन कार्यक्रम जो है वो अब संपन्न हुआ। और देखिए सड़कों की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो बाहर भी खड़े थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रावण दहन देखकर वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर सभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ रावण दहन देखने के लिए पहुँचे थे। और आप देखिए कितनी भीड़ है राजधानी पटना की सड़कों पर। और ये दो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दें। रांची से पहली तस्वीर है जहां रावण दहन कार्यक्रम अभी होना है, यहां भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और फिर रिमोट के जरिए रावण दहन जो है वो किया जाएगा। तीन यहां पर भी पुतले बनाए गए हैं रावण के, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। यहां भी जो शोभा यात्रा है वो पहुँच चुकी है। और ये दूसरी तस्वीर पटना से जहाँ रावण